प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में पूजा के विधि विधान के साथ भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। शास्त्रों में भी सभी भगवान को भोग लगाने की अलग अलग मान्यता है। कहते हैं अगर देवी देवता को उनके पसंद के अनुसार भोग लगाया जाए तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। जैसे हर इंसान की पसंद अपनी अपनी होती है, वैसे ही हर भगवान के भोग भी अलग अलग होते हैं। पूजा की पूर्णता तभी मानी जाती है जब भगवान की पूजा करते समय उन्हें भोग लगाया जाए। कई बार लोग जाने अनजाने में प्रसाद चढ़ाते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, इसकी वजह से भगवान नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किस देवी देवताओं को किन चीजों का भोग लगाएं, भोग लगाने का सही तरीका क्या हो और इस दौरान किन बातों का रखें ध्यान। तो सबसे पहले बात करते हैं देवों के देव महादेव की। तो भगवान शिव की पूजा करते समय उन्हें दूध, शहद, दही, घी, शक्कर, चंदन, फूल, रोली और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भोग के तौर पर उन्हें चिरौंजी, मिश्री और रेवड़ी बहुत पसंद है। शिवजी को पंचामृत का प्रसाद भी बहुत पसंद है। इन चीजों को भोग लगाकर आप शिवजी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका वरदान पा सकते हैं। अब बात करते हैं शिव पुत्र गणपति की। गणेश जी को मोदक का प्रसाद बहुत प्रिय है। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उन्हें भोग लगाए जाते हैं। कहते हैं इन भोगों से गणपति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर मेहरबान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का प्रसाद बहुत पसंद है, ये तो सभी जानते हैं। साथ ही खीर, हलवा, लड्डू और सेवैयाँ भी उनको प्रिय होता है। इन चीज़ों का भोग लगाकर आप कृष्ण भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। जबकि पुरुषोत्तम राम को केसर भात, खीर, धनिये का भोग बहुत पसंद है। साथ ही उन्हें कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग भी प्रिय है। इन चीजों का भोग लगाने से वो केवल प्रसन्न ही नहीं होते हैं बल्कि भक्तों पर खूब कृपा बरसाते हैं। भगवान तो भगवान, उनके भक्त भी कुछ खास भोग से बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू, डंठल वाला पान, बूंदी के लड्डू और केसर भात बहुत प्रिय हैं, इसलिए भक्त उन्हें इन चीज़ों का भोग लगाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। कुछ लोग हनुमान जी को इमरती का भी भोग लगाते हैं। धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना होता है। धर्म के जानकारों के मुताबिक लक्ष्मी जी को सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान केसर भात बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 11 शुक्रवार को एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें ये भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि बनी रहती है, किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं ज्ञान की देवी माता सरस्वती की। माता सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू बेहद पसंद है। इससे वो खुश होती हैं और दोनों हाथों से विद्या का वरदान लुटाती हैं। शक्ति की देवी माँ दुर्गा को खीर, मालपुआ, हलवा, केले, नारियल और मिठाई बहुत पसंद है। नवरात्रि के समय उन्हें रोज इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर माँ दुर्गा को सभी तरह का हलवा बहुत प्रिय है। ये तो आपने देखी अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग भोग। अब हम बताएंगे भोग के दौरान किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि भोग लगाने का पात्र सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी या लकड़ी का होना चाहिए। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भगवान के सामने प्रसाद रखने में परहेज करना चाहिए क्योंकि ये पात्र शुद्ध नहीं माने जाते हैं। इतना ही नहीं, टूटे बर्तन में भी भोग नहीं लगाना चाहिए। साथ में भोग के समय का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त पूजा कर रहे हैं उस वक्त भोग लगाना चाहिए। इसके लिए घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान के सामने कुछ देर तक उस भोग को रखें और फिर पूजा के बाद सभी लोगों में बांट देना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।